हेलो यूट्यूब, हेलो फ्रेंड्स, चटपटा सफ़र में आपका स्वागत है। मैं हूँ फरा। आज हम बनाएंगे पालक और बेसन के चीले। देखिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, आइए हम देखते हैं। पालक, बेसन, नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया, बारीक कटी प्याज, ज़ीरा, गेहूँ का आटा, ऑयल और पानी। देखिए हम अब बताते हैं। देखिए हमें सबसे पहले चाहिएगा बेसन, जो कि हम एक बाउल में लेंगे, ठीक है, और उसको हम छान लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे गेहूं का आटा, जो कि हमने पहले से छान कर एक साइड में रख रखा था। जितना हमने बेसन लिया है उसका आधा हमें गेहूं का आटा लेना है, ताकि हमारे चीले जो हैं सॉफ्ट बने और फ्लफ़ी बने। अब ये देखिए हम लाल मिर्च डाल रहे हैं आधा चम्मच। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़े से ज़ीरा। इसमें मिलाएंगे ग्रीन चिली चॉप्ड करी हुई दो, और ये हमने बारीक कटी हुई प्याज जो काट कर रखी थी उसको मिला रहे हैं हम उसके अंदर। देखिए हमने ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर को, ताकि हमारे बैटर में गुठलियाँ ना पड़े। चम्मच की हेल्प से हम अच्छी तरह से ऊपर नीचे इसको मिला लेंगे। पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमें एकदम बहुत सारा भी पानी नहीं डालना है। क्या पालक जो हमने चॉप करके रखी थी वो डाल दी। हमने पालक तोड़कर पहले धोकर और चॉप कर रखी थी। ये धनिया भी हमने इसी तरह से तोड़कर धोकर काट कर रख रखा था। ये देखिए हमने अब पालक और धनिया अच्छे से मिक्स कर लेना है बैटर को। पहले बैटर पूरा तैयार कर लिया, उसके बाद हमने उसके अंदर सब्जियां डाली हैं। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल पालक और धनिया एक साथ बैटर में मिल जाना चाहिए, अलग से नहीं दिखना चाहिए। इंडक्शन के ऊपर फ्राई हो चीला बना रहे हैं, तो हमें एक चाहिए तवा, एक टर्नर और एक डीप स्पून, जिससे हम उस पर बैटर डाल सकें। देखिए हमारा जो नॉन स्टिक तवा है, अगर हम वो यूज़ करेंगे तो उसमें ऑयल बहुत कम लगता है। ये देखिए कितना कम ऑयल डाला है हमने, इसको स्प्रेड किया है। अब वो थोड़ा सा टेम्परेचर पे हमें उसको हीट तवे को गर्म कर लेना है, और शुरू में थोड़ा सा तेज़ टेम्परेचर रखना है, थोड़ा हीट उसका ताकि ज़्यादा रहे, तो तवा अच्छे से गर्म हो जाए। हमारा तवा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम उस पर बैटर डालेंगे चीले का। ये देखिए एक साइड से हल्का सा सेक कर पलट देना है उसे, और फिर ये देखिए किस तरह से हम इसको बैटर को डाल करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे फैला रहे हैं चम्मच से, थोड़ा हल्का हल्का दबाकर चम्मच से फैलाएंगे। इस तरह से हमें छोटे चीले बनाना है तो हमें एक चम्मच डालेंगे, और हमें अगर बड़ा चीला बनाना है तो हम दो चम्मच डालकर उसको बैटर को फैलाएंगे। अगर बच्चों के लिए बनाएं तो एक चम्मच डालें, और बड़ों के लिए अगर बना रहे हैं आप चीला तो दो चम्मच डालें। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसे सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए किसी भी टाइम नाश्ता करना हो ये फट तुरंत से बन जाता है, और टिफ़िन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हेल्दी भी रहता है, और इसके द्वारा हम बच्चों को सब्ज़ी वगैरह भी खिला सकते हैं, और ये बच्चे स्नैक्स बहुत पसंद करते हैं चीला खाना। ये देखिए इसको एक तरफ से पहले हल्का सेक लेंगे हम, और फिर पलटेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो ऊपर की लेयर है वो हल्की हल्की सिकने आएगी, उसमें हल्के हल्के से बबल्स आने लगेंगे जब वो सिकने लगेगा। तो ये देखिए हल्के हल्के से बेक होता है ना कोई चीज़, तो कैसा दिखता है इस तरह से हल्का हल्का दिखने लगेगा। ये देखिए अब हमारा चीला तैयार है। आप चाहें तो इसे अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चे सॉस के साथ पसंद करते हैं, इसलिए हमने सॉस के साथ इसे सर्व किया है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें।